जय माता रानी दोस्तों, माता रानी सदैव आपका कल्याण करे। दोस्तों वर्ष 2021 के शारदीय नवरात्रों में माता रानी के आगमन और प्रस्थान का वाहन क्या होगा और इस वाहन का देश दुनिया समाज पर क्या असर होगा, ये सब बातें आज की इस वीडियो में हम जानेंगे। शास्त्रों के अनुसार इस दिन माता दुर्गा कैलाश पर्वत से धरती पर भक्तों की सेवा अर्चना ग्रहण करने आती हैं ताकि संसार का कल्याण हो। माता का प्रमुख वाहन शेर है, परंतु देवी भागवत पुराण के अनुसार देवी का वाहन उनके पृथ्वी लोक में आने और जाने के दिन के अनुसार बदलते रहते हैं। माता का आगमन जहां भक्तों में धार्मिक उत्साह और आनंद लेकर आता है, वहीं भविष्य में होने वाली घटनाओं का संकेत भी देता है। यही वजह है कि प्राचीन काल से माँ दुर्गा के आगमन और विदाई को ज्योतिष शास्त्रों में महत्वपूर्ण माना जाता रहा है। माता जिस वाहन से आती हैं और जिस वाहन से जाती हैं, उससे पता चल जाता है कि आने वाला समय देश दुनिया समाज और हमारे लिए कैसे रहने वाला है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में माता का वाहन आगमन प्रस्थान के लिए किस किस दिन क्या क्या होता है और इन नवरात्रों में माता किस वाहन पर आएंगी और किस वाहन पर प्रस्थान करेंगी और इसका क्या प्रभाव रहेगा, तो सारी बातें अच्छे प्रकार से समझने के लिए वीडियो को पूरा देखें। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ऐसी तमाम जानकारियों के लिए चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों देवी भागवत पुराण में माता के आगमन व प्रस्थान के लिए श्लोक वर्णित है। आगमन का श्लोक इस प्रकार से है, दिन शशि सूर्य गजर उढ़ा, शनि मौमे तुरंग में, गुरु शुक्रेच दौलायाम, बुधे नौका प्रकीर्तिता, गजेश जलदा देवी छत्रभंग तुरंग में, नौका या कार्य सिद्धि स्यात दौलायाम मरणम भव। अर्थात इस श्लोक में बताया गया है कि माता के पृथ्वी लोक में आने का वाहन क्या होगा। यह दिन के अनुसार तय होता है। अगर नवरात्र का आरंभ यानी कि घट स्थापना सोमवार और रविवार को होती है तो माता का वाहन हाथी होता है, जिसे वर्षा का प्रतीक माना जाता है। अच्छी वर्षा होने से कृषि भी उन्नत होती है, परंतु अतिवृष्टि होने से बाढ़ भी होने का खतरा रहता है। शनिवार और मंगलवार को नवरात्र शुरू हो तो माता का वाहन अश्व यानी कि घोड़ा होता है। घोड़ा युद्ध का संकेत होता है, इसे बहुत ज़्यादा गंभीर माना जाता है घोड़े पर माँ का आना, और देश दुनिया में राजनीतिक उथल पुथल का संकेत होता है, जनता में व्याकुलता बढ़ती है। गुरुवार और शुक्रवार को आगमन होने पर माता डोली में आती हैं। माता का डोली या पालकी में आना अशुभ संकेत माना जाता है, इससे रोग दरिद्रता में वृद्धि होती है। बुधवार को नवरात्र का आरंभ होने पर माता का वाहन नाव होता है। माता का नाव में आना अत्यधिक शुभ माना जाता है। भक्तों के सभी कार्य सिद्ध होते हैं एवं जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में सफलता मिलती है। दोस्तों इसी प्रकार से माता की विदाई के संबंध में भी एक श्लोक देवी भागवत पुराण में बताया गया है, वो इस प्रकार से है, तो हमें देवी का जो विसर्जन है वो सदैव दशमी तिथि के दिन करना चाहिए, अष्टमी या नवमी को नहीं करना चाहिए। व्रत का पारण आप चाहे कभी भी करें, हमें सदैव दशमी तिथि में ही उनका, ये इस श्लोक में भी वर्णित होगा। यहाँ पर विजया का अर्थ है विजयदशमी। तो श्लोक इस प्रकार से है, शशि सूर्य दिने यदि सा विजया, महिषा गमने रुज शोक करा, शनि भौमे दिन यदि सा विजया, चरणायुध यानी करी विकला, बुध शुक्र दिने यदि सा विजया, गजवाहन गा शुभ वृष्टि करा, सुर राज गुरो यदि सा विजया, नरवाहन गा शुभ सौख्य करा। अर्थात यदि माता की विदाई यानी नवरात्र समाप्ति रविवार या सोमवार को होती है तो माता की सवारी महिष यानी कि भैंसा होता है, जो कि शुभ नहीं होता है, जिसे देश दुनिया में रोग शोक बढ़ता है। यदि नवरात्र विसर्जन शनिवार और मंगलवार को होता है तो माता रानी पैदल जाती हैं, जो कि बेहद अशुभ होता है, इससे मनुष्य में विकलता यानी कि बेचैनी बढ़ती है। इसमें एक मतांतर है कि कुछ विद्वान इस दिन माता का वाहन मुर्गा भी मानते हैं। मुर्गा वाहन भी शुभ प्रतीक नहीं माना जाता है। बुध और शुक्र में भगवती हाथी पर जाती हैं, जो कि अच्छी वृष्टि यानी कि बारिश का संकेत होता है, जिससे अच्छी कृषि के संकेत मिलते हैं। बृहस्पतिवार को भगवती मनुष्य की सवारी से जाती हैं, जो कि सुख और सौभाग्य में वृद्धि करती हैं। तो दोस्तों अब जान लेते हैं कि इस वर्ष माँ का आगमन प्रस्थान किस वाहन पर होगा। दोस्तों शारदीय नवरात्र 2021 का आरंभ 7 अक्टूबर दिन गुरुवार को होने जा रहा है। देवी भागवत पुराण के अनुसार यदि माता का आगमन गुरुवार को होता है तो माँ डोली यानी कि पालकी में आती हैं। माता का डोली में आना महिलाओं के वर्चस्व, मान सम्मान, ऐश्वर्य की वृद्धि का सूचक माना जाता है।
परंतु डोली या पालकी में माँ का आना देश दुनिया में राजनीतिक उथल पुथल की स्थिति भी बना सकता है। ये प्रभाव सारी दुनिया पर भी पड़ सकते हैं। माँ का डोली में आना प्राकृतिक आपदाएं आने का भी संकेत होता है। महामारी फैलती है और लोगों के बीमार होने की संभावना बढ़ जाती है। माता का डोली में आना बहुत ज़्यादा शुभ संकेत नहीं माना जाता है। माता की विदाई शारदीय नवरात्र 2021 में 15 अक्टूबर दिन शुक्रवार को होगी। इस दिन माँ हाथी पर प्रस्थान करती हैं, जो कि अच्छी वृष्टि का संकेत माना जाता है, जिससे कृषि उन्नत होती है। यदि किसी देश की कृषि उन्नत होती है तो देश भी उन्नति करता है, देश में अच्छी प्रकार से अन्न धन उपलब्ध होता है। तो माता के आगमन व प्रस्थान का जो कुल मिलाजुला असर रहेगा वो होगा कि परिस्थितियां खराब होंगी, परंतु धैर्य एवं माता रानी की भक्ति और आराधना से अंततः सब कुछ ठीक हो जाएगा। स्त्री समाज का मान सम्मान बढ़ेगा एवं सशक्तिकरण होगा। दोस्तों, माँ का आना व जाना कभी भी अशुभ नहीं होता है। ये तो सिर्फ संकेत मात्र हैं जो शास्त्रों के अनुसार भक्त अनुमान लगाते हैं। यदि कठिन परिस्थितियाँ आ भी जाएँ तो हमें माँ की पूरी श्रद्धा विश्वास से आराधना भक्ति आदि करनी चाहिए, जिससे माँ सारी अव्यवस्थाएँ संभाल कर हमें सुखी संपन्न करें, हमें शक्ति प्रदान करें। तो दोस्तों, आने वाले शारदीय नवरात्रों की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। माता रानी सदैव आपका कल्याण करें, इसी आशा के साथ दोस्तों विदा लेती हूँ। मिलती हूँ एक नए टॉपिक पर नई वीडियो में। तब तक के लिए जय माता दी।